गर्मियों में गमलों में मिट्टी कैसे भरें? पोर्ट फिलिप टेक्निक। गर्मियों के हिसाब से जानेंगे आज की चर्चा में। आप देख रहे हैं अनंत वक्ता घर की बगिया, मैं हूं पंकज उपाध्याय। विशेष जानकारी दे रहे हैं पर्यावरण मित्र प्रवीण मिश्रा। सम्मानित नागरिकों नमस्कार, मैं प्रवीण मिश्रा उपलब्ध हो गया हूं अनंत वक्ता यूट्यूब चैनल पर, और आप देख रहे हैं किस तरह से गर्मियों में हम पॉट फिलअप तकनीक को अपनाते हैं। बहुत ही आसानी से अभी तक आपने देखा है कि हमने पॉट फिलअप टेक्निक किस तरह से करते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे हमने एक वीडियो में बताया हुआ है, आई बटन में आप देख सकते हैं, सेम वही सिस्टम को अपनाते हुए, उसी तकनीक को अपनाते हुए आपको ध्यान ही रखना है कि आपने इस पूरे पॉट में मिट्टी को भर देना है, और ये भरना लगभग 70% तक का होगा आपका। जब 70% आप पानी 70% मिट्टी भर देते हैं, इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में पानी डालना होता है, और ये पानी आपको फुल जितना ज़्यादा आपको संभव हो सके वो डाल के आपको इनको लगभग 12 से 24 घंटा तक छोड़ देना है। आप देखेंगे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा पानी इसमें डल चुका है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी जब आप डाल देते हैं तो ये पूरा पानी इस पूरी मिट्टी में मॉस्ट हो जाता है, और गर्मी में कोई भी पौधा जब आप लगाते हैं तो पानी की कमी के वजह से ऐसा कभी सिचुएशन नहीं आता है कि पौधा आपका ना चले। तो एक ये बेहतरीन तकनीक है, इस तकनीक को हम पलेवा विधि भी बोलते हैं। आपने देखा होगा जब कभी भी गांव में खेतों में भी पानी पहले लगा के फिर उसमें पौधे लगाए जाते हैं, या सीडलिंग लगाई जाती है, या बहुत सारी ऐसी तकनीक है उसमें डाली जाती है। तो ये एक तकनीक है। अगले चरण में हम देखते हैं कि किस तरह से हम इसमें पौधे को लगाएंगे और कैसे पौधा सेट होकर चलेगा। अगले चरण में आप पहुंच चुके हैं और आप देख रहे हैं कि किस तरह से गर्मियों में पॉट फिलअप टेक्निक अपनाई जाती है। ये एक है पलेवा विधि, और इसमें पहले से पूरा पानी डाल दिया गया है। आप देखेंगे कि एक्स्ट्रा मॉइस्चर है, पूरा लपलप कर रहा है, एकदम से ज़्यादा पानी है। करना यह है कि सेंटर पोजिशन पर आपको यहाँ पर डालना है पत्तों का खाद, या फिर आपको डालना है वर्मी कंपोस्ट, और साथ में डालना है कोकोपीट। सेंटर पोजीशन में आपने डाल दिया, लगभग 3 इंच तक आप जगह बना सकते हैं, या फिर इस तरह से यदि आपने पॉट में पहले से लगा रखा है और कोकोपीट है पहले से तो यह भी सफिशियंट है। हल्की सी ऐसे ठुकाई करनी है, पूरा देखिए रूट बॉल्स के साथ ये निकल चुका है, और आपको सेंटर पोजिशन में यहाँ पर लेके इनको लगा देना है। लगाने के बाद इसके एयर पॉकेट्स को टाइट कर देना है, जहाँ तक संभव हो इसको थोड़ा टाइट कर दीजिए। जब आप ऐसे टाइट कर देंगे तो ये पौधा एकदम शानदार चलेगा, और आपको रखना इस जगह में है जहाँ पर रात में चांद की रोशनी लग जाए, ऊपर से ड्यू लग जाए, मॉर्निंग में 2 घंटे की धूप भी लग जाए, और अगले दिन बिल्कुल शानदार ढंग से चले। गर्मियों में साउथ फेसिंग आपको धूप से बचाना होगा, और आप ध्यान रखेंगे कि जब आपने 3 से 7 दिन तक इनको साउथ फेसिंग धूप से बचा लिया तो बिल्कुल शानदार ढंग से चलेंगे। आप भी अपना सकते हैं पॉट फिलअप टेक्निक, और ज़्यादा जानकारी के लिए बने रहें अनंत वक्ता यूट्यूब चैनल पर। पुनः मुलाकात होगी बहुत ही जल्दी, तब तक विश्वास बनाए रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।